तो चलिए आज अपना लोग क्लास टेंथ के निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे। इनका इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनसे जो है वन मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले आता है, वो क्या है, कौन चीज़ से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो चलिए अपना लोग डिस्टेंस फार्मूला को जानेंगे। डिस्टेंस फार्मूला डी बराबर क्या होता है आपका, रूट अंडर क्या होता है, एक्स टू घटा एक्स वन का होल स्क्वायर। देखिए इनको एक्स वन घटा एक्स टू का भी होल स्क्वायर देखेंगे तो अपना फार्मूला में आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होता है, और प्लस वाई टू घटा वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इनको भी लिख सकते हैं वाई वन घटा वाई टू का होल स्क्वायर। तो इन लोगों को, आप लोग को इनमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इनसे कैसे फॉर्मूला, कैसे सवाल अपना लोग को पूछते हैं। जैसे कि आप लोग को दे देगा, ए कोई बिंदु दे देगा और बी कोई बिंदु बिंदु दे देगा। इन ए और बी के जो है बीच के क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा। ए और ए बी के, यानी कि ए और बी के बीच के क्या पूछेगा, दूरी। ए कोई बिंदु दे देगा, इनका कितना निर्देशांक, तो 2.3 दे देगा। और यानी कि कुछ भी दिया रहेगा, ये मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बी कितना दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 4.1 दिया हुआ रहेगा। पहला क्या होता है अपना एक्स वन होता है, दूसरा क्या होता है वाई वन होता है। इनमें पहला क्या होता है एक्स टू होता है, दूसरा क्या होता है वाई टू होता है, ठीक है। तो और कहीं भी दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए इन सवाल को इस फॉर्मूला से सॉल्व करते। देखिए क्या होता है फॉर्मूला से, एक्स टू घटा रूट अंडर एक्स टू घटा एक्स वन का होल स्क्वायर। एक्स टू का मान कितना है मेरे भाई, एक्स टू का मान है 4, एक्स वन का मान कितना है आप लोग कह सकते हैं कि 2 है। तो क्या है इनका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह तो प्लस। और क्या है, क्या है दूसरा फार्मूला, वाई टू घटा क्या है वाई टू घटा वाई वन। क्या करना है, वाई टू घटा वाई वन। तो क्या करना, वाई टू का मान कितना है 1 घटा वाई वन का मान कितना है मेरे भाई, वाई वन का मान है 3। और फार्मूला सा क्या है, स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं क्या कि कितने कितना हो गया यहाँ पे, 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 में से माइनस का 3 गया तो कितना बचेगा, आप लोग जानते हैं कि माइनस का 2 बचेगा, उनका होल स्क्वायर। माइनस प्लस में बदल जाएगा, देखिए कैसे बदलता है। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस 4 का आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। देखिए माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि माइनस 2 गुने माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाता है, 2 गुना 2 कितना 4। तो आप लोग कह सकते हैं माइनस 2 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 को क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए इसी प्रकार के निर्देशांक ज्यामिति में डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आप लोग कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।